अगर कोर्ट से सम्मन आ जाए तो आमतौर पर लोग घबरा जाते हैं, भले ही उसमें गवाह के तौर पर पेश होने के लिए ही निर्देश क्यों न दिए गए हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि सम्मन क्या होता है और साथ ही ये भी जानकारी देने वाला हूं कि सम्मन और वारंट में क्या अंतर होता है। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। कई बार लोग सम्मन रिसीव ही नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि सम्मन रिसीव करने से मुसीबत ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोर्ट से आए हुए सम्मन को रिसीव करने में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। दरअसल इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, सम्मन रिसीव करके कोर्ट में जा करके कानून की मदद करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ज्यादा मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सम्मन क्या होता है। अगर किसी क्रिमिनल केस में पुलिस किसी को गवाह बनाया है तो पुलिस ने उसका बयान रिकॉर्ड भी किया होगा। पुलिस सीआरपीसी सेक्शन 161 यानी 161 के तहत बयान दर्ज करती है और उस व्यक्ति को सरकारी गवाह बनाती है। बयान पर गवाह के दस्तखत भी होते हैं। ऐसे मामले में जब ट्रायल शुरू होते हैं तो एक एक कर गवाह के बयान के लिए अदालत से सम्मन जारी किया जाता है। जब सम्मन किसी व्यक्ति के पास पहुंचता है तो उस पर यह भी लिखा होता है कि उसे बतौर गवाह के लिए सिर्फ बुलाया जा रहा है और यह भी बताया जाता है कि उसे किस मामले में बुलाया गया है और पेशी की तारीख क्या है। ऐसे सम्मन को रिसीव करनी चाहिए और अदालत के द्वारा तय तारीख पर बयान के लिए अदालत जरूर जाना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सम्मन को रिसीव नहीं करता है तो फिर क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति सम्मन रिसीव नहीं करता है तो दोबारा से सम्मन जारी किया जाता है। बार बार सम्मन जारी होने के बाद भी कोई अगर जानबूझकर अदालत में पेश नहीं होता है और उसका बयान अदालती सुनवाई में अहम है तो उसके खिलाफ अदालत वारंट जारी कर सकती है। बिना किसी ठोस और सही कारण के अगर कोई गवाह अदालत में पेश होने से बचता है तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होता है और बाद में पकड़े जाने पर उसके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 174 यानी 174 के तहत कार्रवाई होती है। इसके तहत 6 महीने तक की कैद और 1,000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। अगर कोई गवाह सम्मन रिसीव करने के बाद अदालत में किसी विशेष कारण से पेश होने में असमर्थ है, अदालत में पेश नहीं हो सकता है तो वह अदालत को लेटर लिखकर कारण बता सकता है या फिर अपने वकील के जरिए छूट ले सकता है, फिर उसकी पेशी के लिए अगली तारीख लगाई जाती है। लेकिन जो कारण अदालत को बताई जाए उसके पक्ष में मजबूत सबूत होने चाहिए। सरकारी गवाहों के प्रति कोर्ट का रवैया काफी सहयोगात्मक है। कोशिश यह की जाती है कि गवाह को एक ही तारीख में फ्री किया जाए। अगर गवाह ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, किसी कारण से उसकी पेशी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है तो अभियोजन पक्ष के सहमति से अदालत उसे ड्रॉप भी कर देती है। कई बार ट्रैफिक चालान के भी सम्मन आते हैं, उन्हें भी रिसीव करके तुरंत कोर्ट में पेश होना चाहिए। अगर ऐसे सम्मन के बावजूद कोई व्यक्ति अदालत में पेशी से बचता है तो उसके खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही हो सकती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सम्मन और वारंट में क्या अंतर होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं सम्मन। सम्मन और वारंट में काफी अंतर होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सम्मन क्या होता है। जब अदालत में किसी आरोपी के खिलाफ कोई केस चलता है और आरोपी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाता है तो इसे अदालत के भाषा में सम्मन कहा जाता है। जब यह सम्मन आरोपी को मिलता है तो उसे उस पर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। अब हम जानते हैं कि वारंट क्या होता है। वारंट को कानूनी आदेश कहा जाता है। वारंट को जज या मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता है। वारंट में
किसी भी इंसान को गिरफ्तार करने, उसके घर की तलाशी लेने या दूसरे कदम उठाने के लिए कहा जाता है। पुलिस बिना वारंट के किसी भी इंसान को गिरफ्तार नहीं कर सकती है और ना ही किसी के घर की तलाशी ले सकती है। इन सब के लिए पुलिस के पास वारंट बहुत ही जरूरी होता है। वारंट जारी करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को होता है। वारंट को लिखकर जारी किया जाता है और इसके ऊपर जारी करने वाले की मुहर और पद दोनों का जिक्र किया जाता है। साथ ही यह भी लिखा जाता है कि किस अपराध के लिए वारंट जारी किया जा रहा है। दोस्तों, आज आपने जाना कि संबंध क्या होता है और वारंट क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।